আমরা এমন একটি পৃথিবী কল্পনা করি যেখানে নারী পুরুষ হয়তো সমান সমান, কিন্তু সত্যি কি নারী পুরুষ সমান সমান হতে পেরেছে? আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 8ই মার্চ পালন করা হয়, ওই আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস তো পালন করা হয় না। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে যেসব মহিলারা আজকে সমাজের পথ প্রদর্শন করছে তাদের আলাদা করে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উৎসব মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব, ছিলেন বিকাশ জয়সওয়াল এবং জয়সওয়াল কমিউনিটির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি লীলা জয়সওয়াল। আমাদের ক্যামেরার সামনে তারা বললেন যে কি বিষয় নিয়ে তারা এই পুরো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন। এত সুন্দরভাবে যেন এই প্রোগ্রামটা করেছে আমি অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর এইভাবে আর এগো যে মেয়েরা পড়তে পারছে না, যে মেয়েরা মেয়েদের টাকার জন্য বিয়ে হচ্ছে না, ওদের জন্য আমি বলি কাজ করতে এনারা ওই কাজটাই করবে। সবাই মিলে এই এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো আর মহিলাদের একটু সাপোর্ট করে কি এরা কী করে আরও ভালো ভালো কাজ করুক, বাড়ির মহিলারা বেরিয়ে ভালো কাজ করুক। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग हर साल 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाते हैं और इस वर्ष अब संडे सामने आया था इसीलिए हम लोग 6 मार्च को ही मना रहे हैं, इसको दो दिन एक दिन पहले ही मना रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम को आप देख रहे हैं, सभी को ही देख रहे हैं कि हमारी पूरी टीम बहुत मैंने अच्छे ढंग से तैयार होके इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल मनाएं, ये हम लोग की इच्छा है। और महिला सशक्तिकरण के ऊपर में जो हम लोग ये काम कर रही हैं, आज विकास जी जो कहा कि आप ये हमारे साथ हैं तो हम लोग को हिम्मत मिलता है। पुरुष लोग अगर देखिए, नारी और पुरुष अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, पुरुष के साथ नारी है, नारी के साथ पुरुष है, इसलिए नारी को ही अर्ध नारेश्वर भी कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे अपने जितने सभा में आए थे सभी ने बहुत अच्छा अच्छा बातें की, हम लोग का साहस बढ़ाया। पिछले साल 7 मार्च को हम लोग स्टार्ट किए थे जयसवाल सर्व की महिला महासभा का हम लोग ये गठन बनाए थे, तो बीच में कोरोना की वजह से हम लोग कुछ इसको मैंने कर नहीं पाए, प्रोग्राम को कार्यक्रम को आगे बढ़ा नहीं पाए, इसलिए इस साल हम लोग इसको पूरी मजबूती के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ के आए हैं करने की। समाज सेवी का काम करती हूँ, जैसे बच्चों लोगों को कुछ गिफ्ट देना, अभी हम लोग के दिमाग में कुछ बात है जिसको हम लोग ब्लाइंड बच्चों को अनाथ आश्रम में जाके, उनके जो आश्रम है उसमें जाके हम लोग कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, दिमाग में ऐसी इस तरह की बातें हैं, इस लोग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से अभी हम लोग का बात चल रहा है। अपनी एकजन नारी हुए अपनी आज के कन्स्टिट्यूशन आईने जगह सामलाचे से ही जैगा तो प्रचुर नारी रही है तरह सम्पर् अपनी आईने जगह क्यों नहीं आसबें तक क्यों उत्साहित करबें से जगह আমি সবথেকে আগে হ্যাপি ইন্টারন্যাশনাল উমেন্স ডে উইশ করব সবাইকে। আমাদের নারীর জন্য যেখানে আমি বলতে চাইব কি এখনও উই হ্যাভ আ গ্রেড অফ পিপল যে ফ্রন্ট লাইনে এসে নিজের একটা টর্চার বা হ্যারাসমেন্টকে সামনে আনতে পারেন না, দ্যাট ইজ বিং আ সেক্সুয়াল প্লেস, দ্যাট ইজ আ ওয়ার্ক প্লেস, এনিওয়ে এদের জন্যে ফর দ্যাম উই ওয়ান্ট টু পুট আপ লিগাল ক্যাম্পস অ্যাজ ডিসকাস রাইট নাও কি আমরা এটা এভরি মান্থ উইল ট্রাই ফ্রি অফ কস্ট ফর অল উইমেন টু কাম ফরওয়ার্ড keeping things confidential and help them every way we can in legal form. होती है बहन, होती है फ्रेंड, होती है, तो उसी तरह मैं मानती हूँ कि एक पुरुष में भी एक पिता होता है, एक भाई होता है। तो मेरे कहने का मतलब जैसे
से मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी के साथ भी, किसी भी बच्चे के साथ भी, चाहे वो 16 वर्ष की हो, चाहे वो 21 साल की हो, चाहे वो 10 साल की हो, बच्चियाँ स्कूल से घर जाती है, अगर वो सेफ नहीं फील करती है, बस में हुआ, ऑटो में हुआ या एनी वेयर, तो जो भी उनके पास हो, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, बस उसको इतना बोलना है कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, डरने का जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ का जो ये जो आपका जो घटना पड़ रहा है उस चीज़ को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग ये सोच लेंगे कि नहीं ये मेरा मैटर नहीं है, ये तो उसका मैटर है, अगर कोई कर रहा है तो हमको नहीं बोलना है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि सबको, इसके लिए जितने भी महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हो, लोगों को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। क्यों हर जगह पुलिस नहीं हो सकता, हर जगह की बच्चियों को सेफ करना क्यों हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्यों नहीं हम लोग खुद आके आके बोलते, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मेंबर क्यों नहीं, हर एक नागरिक क्यों नहीं लेता है कि नहीं अगर हर जगह तो सब कुछ नहीं ना पॉसिबल है कि हर जगह सबको सब कुछ देखा जा सके, लेकिन जहाँ जिसको देखा जा सकता है रोका जा सकता है उस चीज़ को तो हम लोग कर सकते हैं। ये हर एक सबको समझना हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, इससे कोई मैटर नहीं है। तरह ये जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, आज हम सबको यही और सिर्फ हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अपने सामने कहीं पर भी कुछ भी गलत होता हो अगर देख तो कृपया उसको रोकिए, ना कि उसको अवॉइड करिए।